प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब मानते हैं। इस पवित्र हफ्ते में आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। सब परमेश्वर की तारीफ करो फिर से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम पवित्र हफ्ते में हो और तुम्हारा स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। आमेन। सब जन निकालेंगे यहूना की अंजील 3 उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे सब जन। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। सब कहे आमेन। फिर से इस लाइन को सब कलीसिया पढ़े, सब मेरे साथ पढ़ो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। सब कहे आमेन। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा हवा जिधर चाहे उधर जाती है। तू जानता तो है हवा इधर जा रही है और उधर जा रही है लेकिन तू उसको पकड़ नहीं सकता। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। अपने पड़ोसी को बोलो जो कोई आत्मा से जन्मा वो हवा के जैसे है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है और हम उसका शब्द सुनते हैं परंतु नहीं जानते हैं वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। सब कहे आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हवा जिधर चाहे उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है यानी तू महसूस कर सकता है कि हवा कहां से आ रही है और कहां को जा रही है पर तू हवा को रोक नहीं सकता, उसको नई दिशा नहीं दे सकता, सिर्फ उसको महसूस कर सकता है। लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। आपको लोग रोक नहीं पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको देखेंगे तो जरूर सामर्थी होते हुए आशीषित होते हुए इधर उधर जाते हुए परमेश्वर की आशीषों से भरते हुए लेकिन आपको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि सामर्थी नाम में। दाऊद जब गोलियत के सामने गया लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। आप हवा को पकड़ नहीं सकते, हवा को बांध नहीं सकते, हवा को रोक नहीं सकते, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके शब्द को सुन सकते हैं जब हवा चलती है। लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है क्योंकि किसी भी शैतान और इंसान की पकड़ में वो आने वाला नहीं यीशु मसीह के नाम में। जब दाऊद गोलियत के सामने था अगर आप आत्मिक नहीं है, लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा है। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा लहू और पानी है। लिखा तीन जने गवाही देते हैं और यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। कितनों ने सुना है इस बात को और पढ़ा है। परमेश्वर यहां कह रहे हैं कि अगर तू हवा को देखे वो जिधर चाहे उधर चलती है तू उसका शब्द सुनते हैं लेकिन नहीं जानता वो किधर को आती है और किधर को जाती है। लेकिन जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। पिछले से पिछले थर्सडे हर वीरवार को लगातार ये वचन हो रहा है कि जब याकूब अपने मुंह से अपनी पत्नी को एक बात बोलते हैं, जब ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी कुछ मूर्तियों को चुरा के लेके आई है और उसके ससुर ने बोला कि कौन मेरे घर से चीजों को चुरा के लेके आए। याकूब नहीं जानता था उसकी पत्नी चुरा के लेके, कहता है जिसने वो चीजें चुराई है वो जीता नहीं बचेगा। कितनों ने वचन सुना है वो बोला उस हफ्ते। और बाइबल कहती कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई क्योंकि याकूब के मुंह से ये शब्द निकल चुके थे कि जो कोई जिसके पास वो तेरे ग्रह देवता निकलेंगे वो जीवित नहीं बचेगा। कितनों को पता जब गोलियत दाऊद के सामने आया तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दाऊद ने उस गोफन के साथ गोलियत को मारा। मैं आपको बताता हूं रीजन क्या है। बाइबल बताती जब गोलियत दाऊद के सामने आया तो उस गोलियत ने अपने देवताओं के नाम में लिखा दाऊद को श्रापित किया। कितनों ने पढ़ा हुआ है लिखा अपने देवता के नाम पे गोलियत ने दाऊद को श्रापित किया और कोसा।
दाऊद एक बात जानता था, लेकिन जो कोई आत्मा से जन्मे और आत्मा के द्वारा चलता है वो सब बातों को समझते हैं। दाऊद एक बात जानता कि जब भी शैतान मारता है वो शब्दों के द्वारा मारता है हमेशा। जब भी शैतान के लोग मारते हैं आपको श्राप के द्वारा मारते हैं, आपकी फोटो भी किए गए जादू टोने के द्वारा वो आपको मारते हैं और आपकी जिंदगी पे एक श्राप को रिलीज करते हैं। और लिखा अगर आप आत्मा से जन्मे हैं तो दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने गोलियत के पहले श्राप को खत्म किया। दाऊद चुप नहीं रहा, गोलियत के कर्ज को श्राप को सुन के दाऊद चुप नहीं रहा और उसने गोलियत को बैक एक आंसर दिया कि तू भाले के साथ मेरे सामने आता है लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे सामने आता हूं और आज परमेश्वर तेरे तुझको मेरे हाथों में कर देगा और मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आमीन। अगर बीमारी के सामने आप चुप रहेंगे वो आपको मार के लेके जाएगी। अगर शैतान के सामने आप चुप रहेंगे उसका हर बार आपके सामने सफल होगा, क्योंकि अगर आप आत्मा से जन्मे हैं आप जान जाएंगे कि अब आपको क्या करना है। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? अगर गोलियत ने जब दाऊद को चैलेंज किया था, अगर दाऊद रोने लग जाता तो कभी भी जीत ना पाता। उस समय अगर परमेश्वर की सहायता मांगने लग जाता तो कभी जीत ना पाता। दाऊद जानता था ये लड़ने का टाइम है और अब मेरे मुंह से निकले गए वचन जो मैं परमेश्वर के नाम में निकालने वाला हूं मेरी जिंदगी में आशीष और एक जीत को पैदा करने वाले हैं। आत्मिक व्यक्ति को समझना सबसे इंपॉसिबल बात है इस दुनिया में। हवा किधर को आगे किधर को जाती हम कभी नहीं समझते। लिखा आत्मा से जन्मो व्यक्ति भी ऐसा ही है। अगर आप आत्मा से जन्मे हैं हवा को रोकना इम्पॉसिबल है, हवा को बांधना इम्पॉसिबल है। कोई मेडिकल साइंस, कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, कोई देश, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड हवा को बांध नहीं सकता। बाइबल बताती है तू उसका शब्द सुनता लेकिन नहीं जानता वो कहां जाती है और किधर को आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्म है वो वैसा ही है। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? दाऊद आत्मा से जन्मा हुआ इंसान था। किसी व्यक्ति की बीमारी को देख के परमेश्वर के भले पन या चंगाई ना देने या देने का अंदाजा कभी मत लगाओ, क्योंकि परमेश्वर की योजना हर एक इंसान के लिए अलग है। जो कई आत्मा से जन्म है वो इस बात को जानते हैं। आज से 5 साल पहले अगर कोई मुझे देखता तो मैं परमेश्वर की सेवकाई दुखों में और बीमारियों में रह के कर रहा था। अगर उस समय लोग मुझे देखे जज करते या न्याय करते कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चंगा क्यों नहीं किया जबकि इसको पुकारते हुए इतने साल हो गए और हमें इसे देखते हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग थी जो अपने टाइम पे पूरी होती है। लेकिन बाइबल में लिखा जो आत्मा से जन्मे वो परमेश्वर के समय को भी जानते हैं। जो आत्मा से जन्मे वो अपनी आशीष के समय को भी जानते हैं। बाइबल में लिखा जब शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया था तेल के साथ, बाइबल बताती उसका तेल के साथ अभिषेक होने के बाद वो दर दर भटका और शाऊल ने उसका पीछा किया और उसको मारने के लिए तरह तरह के प्लान किए। हालेलुया। कितनों को याद है जब दाऊद भाग रहा था जंगलों में और शाऊल उसका पीछा कर रहा था? कुछ आशीषें ऐसी हैं, ध्यान से सुनना, लिख लेना अपने घरों में से लिख के रखना। कुछ आशीषें ऐसी हैं जब तक आप अभिषेक में नहीं बढ़ेंगे आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। कितनों को समझ आ रही? अपने पड़ोसी को बोलो कुछ आशीषें ऐसी हैं जब तक तू अभिषेक में नहीं बढ़ेगा तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएंगी। दाऊद एक बात जानता कि मेरा अभिषेक हो चुका है एक राजे होने के रूप में, लेकिन क्यों अब तक वो राजे की कुर्सी पे क्यों नहीं है? क्योंकि दाऊद जानता था कि उसे राजे के रूप में राज्य करने के लिए अभी और अभिषेक की जरूरत है। और बाइबल बताती जिसका जीवन पवित्रता में नहीं है वो परमेश्वर से अभिषेक को नहीं ले सकता। पवित्रता का मतलब केवल व्यभिचार से दूर रहना नहीं, पवित्रता का मतलब पवित्रता अपनी जिंदगी के हर हिस्से में। आमीन। ये अपवित्रता थी। अगर दाऊद अपने दुश्मन को मार देता और शाऊल का न्याय अपने हाथों से करता, चाहे शाऊल के जीवन से पवित्र आत्मा जा चुका था, परमेश्वर शाऊल से नाराज था, लेकिन तभी भी दाऊद ने शाऊल को मारा नहीं क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पवित्रता खराब हो।
दाऊद के चेले क्या सोचते थे कि शायद दाऊद एक पागल इंसान है, उसका दुश्मन उसके हाथों में कुर्सी वहां पड़ी है, एक ही बार मारना है और कुर्सी मिल जानी है, और परमेश्वर का वायदा भी यही है कि मैं तुझे वो कुर्सी दूंगा।